हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 2 होल नंबर एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बताएंगे और 100% आप लोग को समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग ध्यान से देखते चलिए, सभी क्वेश्चन इतना इजी तरीका से बताएंगे ना, इतना इजी मेथड से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 1000, सॉरी यूनिट, टेंस, हंड्रेड। इसको एक बार गिन लेते हैं, ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं। यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,999। इससे मतलब नहीं है, हम पहले देखिए क्या कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। मतलब क्या नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर? मतलब इससे आगे जो नेचुरल नंबर आएगा वो नंबर लिखना है। तो कैसे निकालते हैं, पता है? नहीं पता है। तो देखो, जब भी हमारा जितना भी 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 10 बोले, जितना भी निकालना होगा, तो हम जानते हो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें तो नेचुरल नंबर निकालना है, तो जो नंबर दिया है ना उसको पहले लिख लेते हैं। और नेक्स्ट 3 बोला है तो पहले हम 1 इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, देखो 9 और 1, 10, 10 की 0, कैरी 1, फिर 9 और 1 कितना, 0, फिर 9 और 0, और यहाँ पर 0 और 1 कैरी है तो 1, और ये पहले से 1 है तो 1। देखो इसमें 1 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, कितने बच्चे को जोड़ने नहीं आ रहा होगा, हम आपको समझाते हैं। इतना में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिखना है, तो हम पहले 1 ऐड करेंगे। तो इसमें 1 ऐड किए, देखो 9 और 1, 0, कैरी कितना, 1, 9 है और कैरी 1, 0, फिर कैरी 1, 9 है और 1 है कितना, 0, कैरी कितना, 1, 1 और 0, 1, और ये 1। देखो इसमें जब हम 1 ऐड किए तो कितना हुआ, इतना हो गया। समझ में आया बात? ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें तो 3 बोला है ना, अभी तक सिर्फ 1 हुआ, अब क्या करेंगे, जो नंबर ए आ गया है ना इसमें और हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस नंबर को लिख लेते हैं, लिख लिए, और फिर इसमें एक 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो तो 0 और 1, 1, 0, 0, 1, 1, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 0 0 1 हो गया। हमें अभी तो 2 हुआ ना, 3 लिखना है, तो इसमें और एक 1 जोड़ देंगे, 1 1 0 0 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 0 0 1 1, यानी 1 1 0 0 2। देखो 3, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर इससे आ गया हमारा। लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस नेक्स्ट 3 नंबर, नेक्स्ट 3 नंबर क्या है हमारा, एक है 11,000 और एक है 11,001 और एक 11,002। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, राइट द 3 होल नंबर ऑक्यूरिंग जस्ट बिफोर, मतलब क्या, अब आपको 3 होल नंबर लिखना है लेकिन इससे पहले वाला, मतलब माइनस करेंगे। जब हमारा पर आफ्टर की बात कहेगा तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1 1, और जब बिफोर का बात कर देगा तो माइनस करना पड़ता है। तो जो नंबर दिया है ना उसको पहले लिख लो, देखो 10,001 है, हमें क्या करना है, बिफोर द नंबर लिखना है 3। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें से जो नंबर है ना उसमें से एक माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 0 0 0 1, यानी कितना जाएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 10,000। ठीक है, 3 लिखना है ना, अभी तो सिर्फ 1 हुआ, अभी और लिखना है, तो इसमें से अब माइनस कर देंगे, जो नंबर आया है ना उसमें से माइनस कर दो। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा, देखो 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें से हाँ सिल लेगा, तो 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9, ये क्या हो गया 9, 9 तो 9 ही रहेगा, ये भी 9 तो 9 ही, और ये तो 10 था, अभी 9 हो गया था, ये 9, इतना आ जाएगा 9,999। सेकेंड हो गया, 3 लिखना है तो इसमें से और एक माइनस कर देंगे, 9 9 9 -1, 1 माइनस करेंगे, 9 में से 1 जाए 8, 9 9 9, ये आ गया 9 9 9 8। 3 हमारा नेक्स्ट एन बी फोर नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया। ठीक है, अच्छा होल नंबर निकालना है, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, होल नंबर पूर्ण संख्या ना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर सही है। तो
हमारा थ्री नंबर आ गया, हम लास्ट में लिखेंगे हेंस हेंस नेक्स्ट नेक्स्ट थ्री होल नंबर होल नंबर क्या क्या है 10,000 9,999 और 9,998 ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। थ्री देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछ रहा है, बोल रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। ठीक है, पता है क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। आपको हम यहाँ पर कंसेप्ट समझाएंगे, पहले इसको समझ लो। हमें बोला है कि विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आंसर क्या होगा, जीरो, जीरो आंसर होगा। और साथ में यहाँ पर लिखेंगे कि जीरो जीरो इज द जीरो इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। ध्यान रखिएगा, जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो जीरो वन टू थ्री ऐसे स्टार्ट होता है, और जो नेचुरल नंबर होता है वन टू थ्री से स्टार्ट होता है। इसलिए सबसे छोटा जो होगा स्मॉलेस्ट होगा क्या होगा, जीरो। तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सिर्फ इतना ही आंसर, ये नहीं लिखिएगा, समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब थ्री हो गया, अब हम फोर को देखते हैं। फोर है कि हाउ मैनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। कह रहा है कि होल नंबर बताना है 32 और 53 के बिटवीन में, यानी बीच में। कैसे बताएंगे, अब ऐसे थोड़ी करेंगे कि 32 के बाद 33, 34, 35 ऐसे काउंटिंग नहीं करते। कैसे करते हैं जी, देखो हम इसको सॉल्यूशन जो करने का तरीका है, जो बड़ा नंबर होता है ना उस नंबर को लिख लेंगे, हम माइनस कर देंगे छोटा नंबर को, कर दिए। अब इसको माइनस करो रफ में, 53 में से 32 जाएगा, 3 में से 2 जाए 1, 5 में से 3 जाए 2, यानी 21 आएगा। तो कितने होंगे, 21। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे देयर आर 20 होल नंबर बिटवीन कितना 32 एंड 53। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि राइट द सक्सेसर ऑफ, देखिए अब सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है इसमें वन ऐड करना होता है, मतलब अगला, एक अगला क्या होगा। तो सक्सेसर जब भी लिखना होगा आपको उसमें प्लस वन कर देना होता है, बस ये रूल होता है। ठीक है, जब भी आपको सक्सेसर लिखना होगा बस आप प्लस वन कर दीजिएगा। जैसे देखिए ए नंबर है आपका, ए नंबर क्वेश्चन क्या है, ए है ना 24, 47, 01, इसका सक्सेसर लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सक्सेसर ऑफ यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख। ठीक है, ठीक है ना, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख, यानी 24,40,701, सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज क्या होगा, क्या होगा 24,40,701 प्लस वन इजकल टू, इसमें मतलब वन ऐड कर दिए तो क्या होगा 112, और ये सब ज्यों का त्यों 704024। नहीं समझ में आया, देखो आपको बिल्कुल हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं, इसको छोड़ो, हमें क्या लिखना है, इसका सक्सेसर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इजकल टू क्या हो जाएगा 24,40,701 में वन क्या करना है, ऐड कर देना, वही हो जाएगा। तो यहाँ पर रफ में कर लो, इसमें वन जोड़ो तो 24,40,701 में वन ऐड करना है 112, 07, 04, 42 आंसर।
यानी 244072 ये हमारा आंसर, सबसे इजी तरीका बनाने का। अब इसको देखो समझो अच्छे से, बी नंबर क्या है 100199 है, इसको पढ़ने का टाइम लगेगा, ऐसे ही हम समझ लेते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका सक्सेसर लिखना है, तो क्या करेंगे लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 100199 इक्वल टू, क्या करते हैं इसमें वन जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसमें हमने वन ऐड कर दिया, वन ऐड करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, रफ में कर दो, यहाँ पर कर दो 100199 में वन ऐड करना है, 9 1 10 के जीरो, 9 1 10 के जीरो, 1 1 2 0 0 1 इतना आ गया, इसको लिख दो 100200 आंसर। सी देखिए, सी 1009 कितना है 59 है, तो लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 10999999, इसमें क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे 10999999, इसमें वन ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा इसमें जब हम वन ऐड करेंगे तो कहाँ पर करें, यहाँ पर ही कर लेते हैं रफ में, ये रफ बन गया 10999999 में वन ऐड करना है, 9 1 10 की जीरो, 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 1 0 1 1 इतना आ गया 11500। ठीक है, ये हमारा आंसर। डी देखो, डी है 4 2 3 4 5 6 7 0 का, तो क्या लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 2 3 4 5 6 7 0 इजकल टू 2 3 4 5 6 7 0 प्लस वन, वन जोड़ दे इसमें तो 0 और 1 1 7 6 5 4 3 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारा नहीं सब खत्म ही कर देंगे, क्लास कहाँ ख़त्म करेंगे, अभी अभी सब पढ़ा देंगे, इसमें जितना इतना क्वेश्चन कराएंगे, 5 तक हो गया, अब हम लोग 6 भी देख लेते हैं। 6 देखिए क्या है, 6 है आपका राइट द, ठीक है राइट द प्रेडिसर। अब देखो सक्सेसर के बाद प्रेडिसेसर मतलब उसका उल्टा होता है, यानी माइनस वन कर देंगे, जब सक्सेसर निकलना होता है तो प्लस वन, और जब प्रेडिसेसर निकलना होगा तो माइनस वन कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर। चलिए जस्ट उसी तरह से भी बनेगा, 94 का पहले करना है ना, तो नंबर ए 94 क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे जिस तरह से वो क्वेश्चन की वैसा ही करेंगे कि प्रेडिसर, प्रेडिसर ऑफ 94, तो 94 में से माइनस वन कर देंगे, क्या हो जाएगा 93 आ जाएगा। अब इसका देखिए 110,000 का, बहुत गर्मी है यार, ठीक है लेकिन फिर भी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना का निकलना है प्रेडिसेसर ऑफ 10,000, क्या हो जाएगा इसमें से वन माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, जब देखो यहाँ पर माइनस करके दिखाते हैं, इसमें से वन माइनस करना है तो नहीं जाएगा, तो एक कर लिया 9 10 10 में से वन जाएगा 9, ये बच गया 9, ये बच गया 9 और 10 में से तो वो तो 9 ही बचेगा, इतना आ जाएगा यानी 49 आंसर। अब इसका देखो, ये सब बहुत ईजी है, बस मतलब समझो, सक्सेसर का मतलब प्लस, प्रेडिसर का मतलब माइनस वन, बस जो नंबर से पूछा जाता है उसमें से ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है 90 तो लिखेंगे प्रेडिसर ऑफ 20 80 90, क्या हो जाएगा 20 80 90 में से माइनस वन कर देंगे, क्या हो जाएगा इसको माइनस करेंगे यहाँ पर रफ में 20 80 90 में वन माइनस करेंगे तो नहीं जाएगा, 10 हो गया, 10 में से वन जाएगा 9, ये तो 8 हो गया, 0 8 0 2 इतना हो गया 20 80 89 आंसर। ठीक है, डी नंबर 7 6 5 4 3 2 1 का, तो लिखेंगे प्रेडिसर ऑफ 7 6 5 4 4 5 4 3 2 1 माइनस वन कर देंगे तो वन में से वन जाएगा 0, ए 2 का 2, ए 3 का 3, ए 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 आंसर कंप्लीट हो गया, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आप ये याद रखिएगा कि सक्सेसर जब कहेगा
तो प्लस वन, और जब प्रोड्यूसर कहेगा तो माइनस वन, बस हो गया। ठीक है, माइनस वन, सिक्स भी कंप्लीट होता है। अब हम सेवन देखेंगे। ठीक है, सेवन आपका क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर स्टेट विच द होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो राइट द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर और लेस बिटवीन देम। देखो ये जो नंबर दिए गए हैं ना ए बी सी डी करके, बताना इसमें से कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। ठीक है, तो ए नंबर पहले हम सॉल्व करते हैं। ए नंबर क्या है, 530 और 503, इनमें से कौन बड़े दिख रहे हैं? 530 तो बड़े हैं ना जी, तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि 530 ग्रेटर देन 510, ये आंसर हो गया। और इसको लिखेंगे क्या, सो 530, ठीक है नहीं 503, 503 अपीयर, सॉरी सो क्या लिखेंगे, गलती लिखा रहा है सर, क्या बोलते हैं कि जो वर्ड होता है ना स्टेटमेंट उसको सही लिखना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे मन तैसे लिख देंगे, इसको लिखेंगे कि सो 530 अपीयर ऑन लेफ्ट ऑफ 530 ऑन नंबर लाइन, ये आपका एग्जैक्ट आंसर। कहने का मतलब है कि जो 530 है जो नंबर लाइन पर होगा वो क्या होगा, 530 से किधर, लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह बी भी देखो, बी है कि 370 और 307, देखो 370 कौन ग्रेटर है, ए वाला ग्रेटर है 307 से, तो इसको भी सो ऐसा ही लिखेंगे कि सो 307 अपीयर ऑन लेफ्ट ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन, आंसर। सी देखो 98765 और 56789, ऐसे ही दिख रहा है कि ए ग्रेटर है, तो लिखेंगे 98765 ग्रेटर है 56789, तो क्या लिखेंगे, ए तो राइट है ना, इसको क्या लिखेंगे, सो 56789 ए ग्रेटर है, लेस है ना, ये तो लेस है ना, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑन अपीयर, पहले अपीयर ऑन लेफ्ट लिखो, ऑन लेफ्ट ऑफ 56789, सॉरी इसको लिखते हैं 98765 ऑन नंबर लाइन, जस्ट सब एक ही तरह का बनेगा, डी भी वैसा ही होगा। डी है कि 98 30 40 इतना, और 100 2 3 0 0 1 कौन ग्रेटर है, ऐसे दिख रहा है कि ग्रेटर है, ज़्यादा अंक का है। ठीक है, तो जो ग्रेटर है उसको लिख देंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये ग्रेटर है, क्यों ग्रेटर है, यही ग्रेटर है ना, तो 100 2 3 0 0 1 ग्रेटर है किससे, इससे 9 8 3 0 4 1 5, ओके। अच्छा ये ग्रेटर है ना, ऐसे करेंगे, ये ग्रेटर है, ग्रेटर जो बड़ा रहेगा उधर साइन लगा देंगे, जिस तरफ मुँह खुला रहेगा वो बड़ा, जिस तरफ बंद वो छोटा, इसको क्या लिखेंगे, सो 9 8 3 0 4 1 5 अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कितना, 100 2 3 0 0 1 नंबर लाइन। कहने का मतलब है ना कि जो ये छोटा जो नंबर है वो क्या होगा, इस नंबर से लेफ्ट के तरफ होगा, जब नंबर लाइन दिखाते हैं तो इधर जितना जाएंगे बड़े नंबर होता है, इधर जाएंगे तो छोटे नंबर होता है, तो बड़े नंबर से छोटा किधर होता है, लेफ्ट होता है, तो वहीं लेफ्ट चीज लिखा गया है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ये देखो जो एट नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जीरो जो होता है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, नहीं, क्यों, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, जीरो कहाँ से होगा भाई, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, फॉल्स पूरा लिख दें कि सिर्फ, चलो फॉल्स पूरा लिख देते हैं,
एफ और टी भी लिख देते, समझिएगा एफ मतलब फॉल्स, टी मतलब ट्रू। 400 इज द प्रोड्यूसर ऑफ 399। देखो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, माइनस वन किया जाता है। तो देखो तो 399 में माइनस वन करेंगे तो 398 आएगा, तो क्या होगा, ये भी फॉल्स है, तो लिखेंगे फॉल्स। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, बिल्कुल सत्य है, यानी ट्रू है। जीरो जो होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, जो कि आपको अभी बताए भी हैं। 600 द सक्सेसर ऑफ 599, बिल्कुल ट्रू। क्यों ट्रू है, कि इसमें वन ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, बिल्कुल ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर, बिल्कुल ऑल जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर हो जाता है, ठीक है, ये भी ट्रू। ठीक है, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नहीं, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकते, ये हो जाएगा फॉल्स। आखिर क्यों, क्योंकि 0, 1, 2 ये सब क्या होता है, 1, 2, 3 ये होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 इसमें पूरा मिल जाएगा, लेकिन ए वाला इसमें पूरा नहीं मिल सकता है, इसके बारे में हम अभी आगे भी बताएंगे। ठीक है, द प्रोड्यूसर ऑफ द टू डिजिट नंबर इज नेवर द सिंगल डिजिट ऑफ द नंबर, बिल्कुल फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, कैसे, देखो द प्रोड्यूसर ऑफ द टू डिजिट नंबर, दो प्रोड्यूसर का डिजिट नंबर करेंगे, इधर नेवर द सिंगल डिजिट नंबर, बिल्कुल नहीं, फॉल्स होगा। वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वन स्मॉलेस्ट होल नंबर है, नहीं, क्योंकि जीरो होता है, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। इसको देखो, द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रोड्यूसर, कह रहा है जो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है वन हैज नो प्रोड्यूसर, द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रोड्यूसर, वन का कोई प्रोड्यूसर नंबर नहीं होगा, वन का प्रोड्यूसर नंबर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, द होल नंबर वन हैज नो प्रोड्यूसर, अच्छा दोनों को, अच्छा होल नंबर की बात किया, द होल नंबर वन हैज नो प्रोड्यूसर, बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहा है, वन हैज नो प्रोड्यूसर मतलब होल नंबर के लिए वन प्रोड्यूसर होगा, नहीं होगा, फॉल्स है। द होल नंबर 30 लाई बिटवीन 11 एंड 12, अच्छा बताओ जो 13 है इनके बीच में आता है क्या, नहीं आता है, क्या है, आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, फॉल्स, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कहाँ से 13 आएगा, 12 के बाद 13 आता है, इसके बीच में कहाँ से आ सकता है, तो गलत है। द होल नंबर जीरो हैज, ठीक है, द होल नंबर जीरो हैज नो प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बोल रहा है, जीरो का कोई प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, यानी टू बोल रहा है, सही बोल रहा है। द सक्सेसर ऑफ द टू डिजिट नंबर इज द ऑलवेज द टू डिजिट नंबर, फॉल्स है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीका से इसके बारे में समझाएंगे, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या प्रोड्यूसर, क्या मतलब पूरा जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, वो मान लो थ्योरी है। ठीक है, यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। सपोर्ट मेंबरशिप क्या है, 499 रुपये लगता है, इसमें पूरा आपको मैथ का फुल कोर्स होगा क्लास 6 का, जब तक आप 7 में नहीं जाएंगे तब तक के लिए आपको पूरा क्लास 6 का तैयारी करा दिया जाएगा 100%, और साथ में अलग से जो बुक आप बनाते हो उसका क्वेश्चन नहीं बनता उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। यदि आपको ज्वाइन करना चाहते हैं अपने घर में मम्मी पापा से या भैया जो भी होंगे, 8383896119 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिस पर आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। और यदि 499 रुपीज़ पेड कर देते हैं, एक सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन कर लेते हैं, तो 100% आपको तैयारी भी करा दी जाएगी। ठीक है, जो भी आपको नहीं आ रहा है, जो भी आपका मैथ वीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर मैसेज या कॉल करें, जिनको ज्वाइन करना होगा वही लोग मैसेज या कॉल करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में 2.2 में। तो देखिए, सभी वीडियो देखने के लिए मेरा सबसे पहले आपको जाना होगा यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे कार्ब अकाडमी। ठीक है, कार्ब अकाडमी सर्च करिए, CARB कार्ब, देखो अकाडमी ऊपर ही आ गया, इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे तो देखो हमारा ऊपर में कार्ब अकाडमी यहाँ पर देखो लिखा हुआ आया है। अब इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होम, यहाँ वीडियो, यहाँ प्लेलिस्ट, यहाँ चैनल, तो आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। देखो प्लेलिस्ट में हम आ गए। अब ये प्लेलिस्ट में देखो क्लास 6 का मैथ इंग्लिश मीडियम, क्लास 7 का मैथ इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास 7 का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास 8 का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास 8 का मैथ इंग्लिश मीडियम, यानी तीनों क्लास का आपको जो भी होगा, आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सारे वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप है मान लेते हैं क्लास 6 में, तो क्लास 6 वाला पर यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी वीडियो, जितना भी वीडियो रहेगा उतना आपको मिल जाएगा सारे एक्सरसाइज का। जैसे आप क्लास 7 में हैं
सेवन में है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेगा हिंदी मीडियम के लिए, देखो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आपका दोस्त है पढ़ना चाहते हैं तो इनको शेयर जितना से ज़्यादा हो सके आप सबके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा, जितना भी आप मैथ में वीक होंगे आपको मैथ में स्ट्रांग कराने के लिए मेरा गारंटी है, बस आप मेरे से पूछते रहो, ठीक है। तो आप लोग को क्लास 6 7 8 हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आप लोग को बहुत मेहनत करके पढ़ाने वाले हैं, बस आप थोड़ा मेहनत करो, आपको मैथ में हम स्ट्रांग कराएंगे, कितना भी आपका मैथ वीक होगा फिर भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में से करवाइए, और जितना हो सके शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।